हाय गाइस, जो कनाडा की तरफ से कल हमें लेटेस्ट अपडेट आया था एसडीएस कैटेगरी के बारे में, आज उसके लिए एक क्लेरिफिकेशन इशू की है कैनेडियन गवर्नमेंट ने, जिसमें उन्होंने मेंशन किया है कि अब आईएलटीएस एकेडमिक का जो एक्सेप्टेबल एसडीएस का स्कोर होगा वो ओवरऑल 6 होगा, ना कि 6 ईच। चाहे आपके एक मॉड्यूल में 5 है या 5.5 है, बट आपके ओवरऑल 6 है तो आपकी फाइल अब एसडीएस कैटेगरी में लगने वाली है। सो गाइस, ये बहुत बड़ी गुड न्यूज है, क्योंकि कल तक उन्होंने मेंशन किया था 6 ईच एंड आज उन्होंने इसकी क्लैरिफिकेशन दे दी है। पीटी के में कोई भी चेंज नहीं आया, पीटी एकेडमिक ओवरऑल 60 ही एक्सेप्टेबल है, इसमें भी ईच की कोई भी रिक्वायरमेंट नहीं है। सो गाइस, जो बच्चे वेट कर रहे थे कि उनके 5 बैंड है मॉड्यूल में या 5.5 है, उनके लिए बहुत ही बड़ी न्यूज है। अब जिनके पास ऑफर लेटर्स आ गए हैं वो अपनी फाइल लॉन्च कर सकते हैं, क्योंकि अब ये न्यूज ऑफिशियली कंफर्म है कि आपके ओवरऑल 6 चाहिए, इंडिविजुअल स्कोर मैटर नहीं करता। तो गाइस, जो स्टूडेंट्स वेट कर रहे थे 10th अगस्त की, अब वो अपनी फाइल लॉन्च कर सकते हैं, क्योंकि अब इंडिविजुअल स्कोर मैटर नहीं करेगा, आपके ओवरऑल 6 है इंडिविजुअल मॉड्यूल में, चाहे 5 है चाहे 5.5 है, आप अपनी फाइल एसडीएस कैटेगरी के अंडर लगा पाएंगे। तो गाइस, पीटीई में ऑनलाइन या होम बेसिक एक्सेप्टेबल नहीं है, एकेडमिक ही जाएगा एसडीएस कैटेगरी में। ये एक लेटेस्ट अपडेट था जिस पे अभी कैनेडियन गवर्नमेंट ने मॉर्निंग में ही क्लेरिफिकेशन इश्यू की है। गाइस, अगर आपको हमारी वीडियोस अच्छी लगती हैं तो प्लीज सब्सक्राइब करें हमारा यूट्यूब चैनल, क्योंकि इस पे आपको ऐसी ही इंफॉर्मेटिव वीडियोस देखने को मिलती रहेंगी। तो कैनेडा, ऑस्ट्रेलिया, यूएसए के अपडेट्स को जानने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा यूट्यूब चैनल एंड लाइक दिस वीडियो, शेयर दिस वीडियो विद योर फ्रेंड। थैंक्स।